वेलकम टू फूड दर्शन। ऐसा एक शहर जहाँ कोकोकोला की पूजा होती है। क्या बनाना और एक इंसान का डीएनए मैच होता है? क्या हनी मधुमक्खी की वोमिट होती है? फ्रेंच फ्राइज का नाम फ्रेंच फ्राइज ही क्यों पड़ा? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर वन, क्या आपने कभी सुना है कि कहाँ पे कोकोकोला की पूजा होती है? हाँ, मेक्सिको चिपास एक ऐसा देश है जहाँ कोकोकोला की पूजा होती है। वहाँ लोग दिन में 2 लीटर कोकोकोला यूं ही पी लेते हैं, लेकिन क्यों? वहाँ पे पानी बहुत ख़राब है और अच्छा पानी मिलना उससे भी मुश्किल, बट कोकोकोला मिलना उससे भी आसान। तो लोग वहाँ पे दिन में 2 लीटर कोकोकोला यूं ही पी लेते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। है क्या नहीं अमेजिंग फैक्ट? तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर टू की ओर। फैक्ट नंबर टू, क्या आपने कभी नटेला खाया है? हाँ, खाया तो ज़रूर होगा, पर आपको ये जान के ज़रूर हैरानी होगी कि साल में नटेला का सेल इतना होता है कि आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 8 times कवर कर सकते हो या वर्ल्ड को 1.8 times कवर कर सकते हो। है क्या नहीं अमेजिंग फैक्ट? तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर थ्री की ओर। फैक्ट नंबर थ्री, आपने कभी ना कभी बनाना खाया होगा, पर आपको ये जान के ज़रूर हैरानी होगी कि ह्यूमन डीएनए 60% बनाना से मैच होता है। है क्या नहीं अमेजिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर फोर, एक रिसर्च से जाना गया है कि लोगों की पीने की आदत उनके गाने सुनने के हिसाब से बदलती है, मतलब लाउड म्यूजिक सीम्स टू मेक पीपल ड्रिंक मोर एंड फास्टर। फैक्ट नंबर फाइव, जो अपन डे टू डे लाइफ में हनी खाते हैं वो एक बी की वॉमिट होती है। हाँ, आपने सही सुना, बी जब फूलों का रस चूसती है जो अपने पेट में रखती है और अपने छत्ते में जाकर उसको कलेक्ट करती है। फैक्ट नंबर सिक्स, फ्रेंच फ्राइज, ये नाम सुन के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आता होगा, बट इसके नाम से लगता है ये फ्रांस में ओरिजिन हुआ था, बट एक्चुअली ये बेल्जियम में ओरिजिन हुआ था और इसका नाम फ्रेंच फ्राइज इसलिए पड़ा क्योंकि इट हैज़ फ्रेंच कट। फैक्ट नंबर सेवन, मैं पिज़्ज़ा का नाम लूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा डोमिनोज पिज़्ज़ा हट, बट दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा था $12,000 का, मतलब उसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 9 lakhs, और उसको बनने में भी पूरे 72 hours लगे थे। सो ये है ना एक अमेजिंग फाड़ू फैक्ट। फैक्ट नंबर एट, टोमेटो केचप, आप टोमेटो केचप बड़े चाव से हर चीज़ के साथ खाते होंगे, पर 1830 में उसको एक बार मेडिसिन के नाम से सेल किया था और कहा गया था कि आप उससे डायरिया जॉन्डिक्स जैसे बीमारियां दूर कर सकते हो, और ये आइडिया प्रपोज किया था जॉन कुक बेनिथ ने, और लेटर ये रेसिपी टोमेटो पील के नाम से सेल हुई थी। फैक्ट नंबर नाइन, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, पर तुमको ये जान के ज़रूर हैरानी होगी कि एप्पल्स के इतने टाइप्स है कि तुम दिन में एक टाइप ट्राई करो तो पूरे 27 years निकल जाएंगे पूरे टाइप ट्राई करने को। है क्या नहीं अमेजिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 10, स्ट्रॉबेरी, जिसके नाम में ही बेरीज हो बट वो एक बेरीज कैटेगरी में नहीं पाया जाता। टेक्निकली बेरीज के अंदर होते हैं सीड और स्ट्रॉबेरी के अंदर वो सीड ही पाया नहीं जाता, इसलिए वो बस नाम में ही स्ट्रॉबेरी है बट वो एक बेरी नहीं। सो कैसे लगे हमारे फैक्ट्स? तुमको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लो, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो चटोरे भाई, और तब तक बाय बाय।